सोमवार और आज का दिन खास होता है नॉमिनेशन टास्क के लिए. घर के अंदर नॉमिनेशन एक इंटरेस्टिंग टास्क होगा और 3 सदस्य नॉमिनेट होने वाले हैं. कौन है ये 3 सदस्य, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी. लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए. गार्डन एरिया में एक डोम बनाया जाएगा, उसमें एक एक करके सदस्यों को जाना है और उनको जो है उसके अंदर 17 मिनट बैठना है. तो और 17 मिनट अपने आप काउंट करना है और उन्हें लगे कि हाँ अब 17 मिनट हो चुके हैं तब उन्हें उस डोम से बाहर आना है. ऐसे में जो सदस्य कंटेस्टेंट डोम के अंदर जाएगा, बाकी सदस्य जो हैं उस सदस्य को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं. तो क्या होगा जब आप डोम में बैठे हैं, अगर अपने मन में भी काउंटिंग कर रहे हैं या इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ ये 1 मिनट हुआ होगा, 2 मिनट, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन अगर होगा तो आप उस चीज़ का ट्रैक नहीं रख पाएंगे और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो यही टास्क है और जो सदस्य एग्जैक्ट 17 मिनट या उसके आसपास डोम के अंदर बैठेगा वो बच जाएगा नॉमिनेशन से. और जो नहीं बैठ पाएगा, बहुत कम बैठा होगा और उसे लगे 17 मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा बैठा और लगा कि 17 मिनट हो गए, वो जो है नॉमिनेट हो जाएगा. तो जब ये टास्क के एंड में 3 लोग नॉमिनेट होने वाले हैं और मैं तीनों के जब नाम लूँगी तो आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे. आसिम रियाज, रश्मि देसाई और विशाल आदित्य सिंह, यानी कि वो टीम ए बी में अगर हम घर को डिवाइड करें तो जो टीम में हम लोग आसिम की टीम को गिनते हैं वो तीनों के तीनों सदस्य नॉमिनेट है. इस हफ्ते जो है शेफाली जरीवाला के एलिमिनेशन के बाद, एविक्शन के बाद ये बात कही जा रही थी कि अब दोनों टीम बैलेंस हो गई, दोनों में 4-4 सदस्य हैं. लेकिन अगर यही नॉमिनेशन रहे, नॉमिनेशन में ये 3 नाम रहे तो एक चीज़ तो जाहिर है कि इनमें से कोई एक अगले हफ्ते आउट होगा और जो है फिर आसिम की टीम के सदस्य कम हो जाएंगे. शहनाज जो है उनका जहां मन आता है वहां जाती हैं, उनको जिसका गेम सही लगता है वो वही करती है जो गेम उन्हें सही लगे. तो ये 3 सदस्य आज नॉमिनेट होने वाले हैं इस डोम टास्क में. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सदस्य जो है बाहर जाने लायक है इस टीम में से, कमेंट ज़रूर कीजिएगा. लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.